हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पर 10वीं और 12वीं छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहां पर यूपी बोर्ड छात्रों के लिए क्या खुशखबरी निकल कर आ रही है, हम आपको इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। तो क्या यह अपडेट है, क्या यह न्यूज़ है, चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी ले लेते हैं। कौन सी वह न्यूज़ निकल कर आई है, यहाँ पर कौन सी आपके लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, क्या खुशखबरी है, हम आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके, और दोस्तों उसके बगल में घंटे का आइकन मिलेगा उस पर जरूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको यूपी बोर्ड की पल पल की अपडेट देते रहते हैं। इस समय पर कोई भी न्यूज और नोटिस आती है यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित, उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले अपडेट कराते हैं। और दोस्तों, मैंने यूपी बोर्ड से संबंधित कई वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में वो वीडियो मिल जाएंगे, उसको जाकर आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली मैंने यहाँ पर हिंदुस्तान के लाइव ऑफिशियल की न्यूज़ को ओपन कर रखा है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह आज ही का न्यूज़ है। यहाँ पर लाइव अपडेट्स क्या निकल कर आया है कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे की तरह स्क्रॉल करेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षा के दौरान, यानी कि दोस्तों शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली की कटौती नहीं होगी। यानी कि दोस्तों शाम 6 बजे से, यानी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली कटौती नहीं होगी। और दोस्तों, यहाँ पर यह जानकारी प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं यूपी पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने दी। यानी कि उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने निर्देश पर बोर्ड परीक्षार्थियों यानी कि सुविधा के लिए कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति के लिए निर्देश दिए हैं। और फ्रेंड्स, उन्होंने फाइनली यह बताया है कि यहाँ पर ग्रिड की सुरक्षा आदि आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर पूरे देश में निर्देशों के अनुरूप बुधवार को यह व्यवस्था लागू हो गई है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर ग्रिड की सुरक्षा आदि आकस्मिक यानी कि दोस्तों परिस्थितियों को छोड़कर, यानी कि आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर यहाँ पर पूरे देश में निर्देशों के रूप में बुधवार को, यानी कि बुधवार को यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी छात्रों के लिए यह बहुत खूब बड़ी खुशखबरी है कि उनको तैयारी करने के लिए अवसर मिल जाएगा, ताकि उनको लाइट भागने में दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ पर जम के पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे कि परीक्षा की कितनी तैनाती यहाँ पर हो गई है। तो सभी छात्रों के लिए यह खबर है कि अब लाइन की व्यवस्था आपको कटने वाली नहीं है, आप यहाँ पर आराम से तैयारी कीजिए और यहाँ पर तैयारी करके आप एग्ज़ाम में बैठने जाइए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप बस केवल कापी यहाँ पर भर देंगे अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से, तो आप इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का कहना है, क्योंकि यहाँ पर 40,000 से अधिक बच्चे परीक्षा छोड़ चुके हैं पहले दिन। अभी जब भी कोई न्यूज आएगी तो मैं आपको लाइव अपडेट कराता रहूंगा। अभी तो ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है कि कितने बच्चे परीक्षा छोड़ चुके हैं, क्योंकि मेरे उस वीडियो से काफी बच्चों को रिस्पांस मिला है और उसे देखकर बच्चे परीक्षा देने जाने लगे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि परीक्षा को छोड़िए मत और अच्छी तरह से तैयारी करके जाइए, और अपना विचार मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही न्यूज़ देना था। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम कोई भी यूपी बोर्ड की खबर डालें उसकी जानकारी आपको आसानी से मिल पाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।